प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने 10 माह से कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इन 10 महीनों के कार्यकाल में कांग्रेस ने जनता को राहत देने की बजाय महंगाई के अतिरिक्त बोझ तले दबाने का ही काम किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह कार्यकाल केवल बदले की भावना में काम करने में ही गंवा दिया। यह आरोप मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने लगाए हैं। निहाल चंद शर्मा ने और क्या कहा, देखें ये रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से यह सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई। विधानसभा विरोधाभास के चलते हिमाचल की जनता प्रभावित हुई। आपदा राहत राशि में नेरा तेरा राग गाकर भाई भतीजा बाद इस सरकार ने फैलाया है। जब से यह सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था ताड़ ताड़ हो गई है। चंबा का हत्याकांड अभी तक लाख लोग भूले नहीं और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से कानून व्यवस्था बिगड़ने के कई उदाहरण सामने आए हैं। अब तो मुख्यमंत्री के गृह जिला में एक बहन से, आप सभी को मालूम है कि वहाँ पर एक बहन के सर के बाल ही काट दिए गए और गांव में उसको घुमाया गया। हम इस घटना की कानून व्यवस्था की अब ये इसकी कानून व्यवस्था की कांग्रेस सरकार की जो है पोल खुल गई। अगर देखा जाए तो यह सरकार हर फ्रंट पर ना कामयाब रही है।